मौला। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो योर इस्लाम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अल्लाह की रहमत का एक और बहुत ही खूबसूरत वाक्या। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न खुदामा अपनी किताब अत्तवाबीन में बनी इसराइल का वाक्या पेश करते हुए कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बार सूखा पड़ा। आप अपने तमाम सहाबा के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर बारिश के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह की जानिब से मूसा अलैहिस्सलाम को गैप से आवाज़ आई और कहा कि मूसा, आपके एक सहाबी ने अब तक तौबा नहीं की है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से कहते हैं कि तुम में से कौन है जिसने अभी तक तौबा नहीं की, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। ये कहते ही बारिश बरसना शुरू हो गई। सहाबा कहने लगे, ऐ मूसा, आपने तो झूठ कहा हमसे, देखो बारिश तो शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर अल्लाह से सवाल करने लगे, ऐ अल्लाह, ये कैसा माजरा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जैसे ही तुमने सहाबा से तौबा का जिक्र किया, मेरे उस गुनहगार बंदे ने अपने गुनाहों की तौबा कर ली। रिवायतों में आता है कि उस सहाबी के मुंह से अस्तगफार का जुमला निकला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे भी बता, भला वो कौन था, कौन बंदा था जिसने तौबा नहीं की थी? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जब मेरे बंदे ने गुनाह करके तौबा नहीं की थी तब मैंने तुझसे छुपाया, अब तो मेरा बंदा तौबा कर चुका है, फिर भला अब मैं तुम्हें कैसे उसका नाम बता दूं? सुभान अल्लाह, ये रिश्ता है अल्लाह का अपने बंदों से। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को पोशीदा रखने पर कादिर है, और सिर्फ पोशीदा ही नहीं बल्कि हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने पर भी कादिर है। ज़रा शिद्दत से खालिस उसकी बारगाह में हाथ फैला कर तो देखो। बहरहाल वाक़े में नसीहत है उन तमाम हजरात के लिए जो अल्लाह से मायूस होकर अल्लाह के आगे सर झुकाने के बजाय फला और फला के दर पर झुकते हैं। अपने गुनाहों के किस्से उन्हें सुनाकर उन्हें अपने गुनाहों पर गवाह और हुज्जत बनाते हैं। अल्लाह रहम करे, न जाने किस हद तक हम अपने रब से मायूस होते हैं जबकि वो तो हमारी तौबा की इंतज़ार में रहता है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लें और हर हाल में अल्लाह ही से सवाल करें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी उम्मत को तालीम दी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। व आखिरुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।